रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, हियर इज तौफीक अमन ऑफ योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, elements are arranged on the basis of electronic atomic number electronic configuration. Elements are arranged according to their electronic configuration through their increasing atomic number. के पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है इन फोर ब्लॉक्स, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में। तो दीज ब्लॉक्स आर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस बेस पे हैं कि जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सब शेल पे ख़त्म हो रही है, तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक से रिलेटेड है। जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक पे और हो रही है, या जिस एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल डी एफ में एंटर हो रहा है, दैट बिलोंग्स टू दैट ब्लॉक एलिमेंट। तो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज़ जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल, के इलेक्ट्रॉन्स को शेल और सब शेल में कैसे अरेंज करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली बेस्ड ऑन ऑफ बाउ प्रिंसिपल। किस पे बेस करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे। सो अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड टू द ऑर्बिटल्स ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन सीक्वेंस, टू इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। के इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन विल इंटर इनटू दोज ऑर्बिटल व्हिच हैव लोएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इंटर होंगे जिस ऑर्बिटल, जिस सब शेल की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो अगर हम देखें भाई सब शेल कौन से हैं, सब शेल कौन से हैं, दीज आर द एस, पी, डी एंड एफ। तो इनमें मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? एस की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, पी 6, डी 10 एंड एफ 14। तो अगर हम देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे लो जो एनर्जी है वो है एस ऑर्बिटल की, जिसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सबसे ज़्यादा एनर्जी है एफ ऑर्बिटल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ वो प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इंटर होंगे जिसकी एनर्जी लो होगी। अब नाउ इफ यू सी द ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हैज़ द लोएस्ट एनर्जी अमंग ऑल, सब में से लो एनर्जी किसकी होगी? एस ऑर्बिटल की। एंड सेकंड डेफिनेशन इज़ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग विद द 1s ऑर्बिटल। के इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में इंटर होते हैं, हाँ डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल्ड होंगे, मगर ऑर्डर क्या होगा? लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे। और जो सबसे एनर्जी लो होती है वो किस ऑर्बिटल की होती है? वो होती है 1s ऑर्बिटल। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, वो सीक्वेंस क्या है? दैट सीक्वेंस इज़ 1s, 2s, 2p। इट मींस के इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन फर्स्ट 1s ऑर्बिटल, देन इन सेकंड इन 2s, देन 2p, देन 3s, एंड 3, 4, एंड देन 4s, एंड फाइनली सो ऑन 4d, 5p, 5s एंड एक्स्ट्रा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल से, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1s ऑर्बिटल से।
तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सब शेल। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? ऑफ बोह प्रिंसिपल को। ऑफ बोह प्रिंसिपल क्या है? जस्ट सिंपल कि जिस एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, सबसे इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होंगे, देन सो ऑन। अब अगर हम यहाँ पे देखें कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि लिथियम, बोरान, सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम। लिथियम एटम नंबर 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 एंड 2s1। बोरान एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1। सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। एंड लास्ट कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। ये सिंपल कुछ एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एलिमेंट्स के लिए। अब एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चलती हैं, जैसे कि किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन से पीरियडिक टेबल में हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। मींस के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ग्रुप एंड पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s1। अब 1s2 1s2 क्या शो कर रहा है? 1s2 शो कर रहा है कि 1 दैट इज़ द शेल नंबर आर पीरियड नंबर, ठीक। 1s2 इज कम्प्लीटेड एंड 2s1। अब जो यहाँ पे लास्ट में 2s1 लिखा हुआ है, 2s1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो 2 नंबर है वो शो कर रहा है पीरियड और शेल नंबर को, एंड जो 1 है वो क्या शो कर रहा है? दी ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम। इट मींस के जो लिथियम है पीरियडिक टेबल में, लिथियम एलिमेंट ग्रुप 1 टू सेकंड पीरियड में मौजूद है। क्या कि लिथियम सेकंड ग्रुप, सॉरी फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब अगर हम नेक्स्ट क्लोरीन की हम यहाँ पे अगर देखें, तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्लोरीन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, याद रखें कि हेयर 3s2 एंड 3p5। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट क्या है क्लोरीन की? 17 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अब यहाँ पे अगर हम ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर क्लोरीन को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, 3s2 एंड 3p5। अब ये जो लास्ट दो ऑर्बिटल हैं किसके? 3s2 एंड 3p5। अब यहाँ पे दो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जबकि हम देखें लिथियम के केस में, तो लिथियम के केस में तो हम सिर्फ 2s1 को देख के बता रहे हैं कि भाई 2 पीरियड नंबर है और 1 ग्रुप नंबर है। लेकिन अगर क्लोरीन की हम जब बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन में यहाँ पे लास्ट दो ऑर्बिटल हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप एंड पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि क्लोरीन की लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 3s2 3p5। वो क्या शो कर रही है कि 3s2 एंड 3p5 ये दोनों ही जो कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट, दीज बोथ रिजेंबल आर कंटेंट्स लास्ट शेल। ये दोनों किसकी हैं? लास्ट शेल की हैं। अगर कंप्लीट आप स्टार्ट करें क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। 2s2 एंड 2p6, आपको पता है सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है, तो 2p6 2s2 एंड 2p6 सेकंड शेल हो गया कंप्लीट। और क्लोरीन का थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s2 एंड 3p5। मींस के थर्ड शेल में एस ऑर्बिटल भी आ रहा है, पी ऑर्बिटल भी आ रहा है। एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे बात याद रखें
कि जब भी किसी भी एलिमेंट के टू आर मोर देन टू लास्ट आर्बिटल, सबसे लास्ट वाले आर्बिटल अगर सेम शेल के आ रहे हैं, सेम पीरियड के आ रहे हैं, तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए उनके जो ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं स्क्वायर के फॉर्म में, वो सारे क्या करने होते हैं हमें, एड। अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के लास्ट दो आर्बिटल सेम आ रहे हैं, कौन से, 3s2 एंड 3p5। अब ये आर्बिटल हमें क्या बता रहे हैं कि 3s एंड 3p ये शेल नंबर एक ही है, पीरियड नंबर एक ही है। कौन सा पीरियड नंबर है, दोनों का पीरियड, दोनों का शेल थर्ड है, लेकिन एस में दो इलेक्ट्रॉन है, पी में फाइव इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके इलेक्ट्रॉन हम टोटल ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन से हमें क्या पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलेगा ग्रुप नंबर। तो अब अगर देखें तो क्लोरीन का जो शेल नंबर है, जो पीरियड है, वो है थर्ड, बट जब 2 + 5 = 7 तो इसका क्लोरीन का 7 क्या हो रहा है, ग्रुप नंबर हो रहा है। याद रखें, अगर लास्ट आर्बिटल अगर सिंगल आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है सेकंड लास्ट से, तो हम यहाँ पे अगर हम एग्जांपल पे देख लें तो लिथियम का 2s1 है, ये लास्ट सिंगल है, यहाँ पे s का ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो लिथियम का ग्रुप नंबर हो गया 1। बोरान के 1s2 हो गया सेम कंप्लीट, 2s2 एंड 2p1, यहाँ पे दो आर्बिटल आ रहे हैं, ठीक है, तो 2s2 एंड 2p1 ये शेल एक हो गया, मगर इनके इलेक्ट्रॉन दोनों के आपस में ऐड होंगे तो बोरान का पीरियड ग्रुप नंबर कितना हो रहा है, 3। सोडियम की अगर बात करेंगे तो 2s2 एंड 2p6 ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट, और लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 3s1, मींस के सोडियम का थर्ड पीरियड है मगर ग्रुप नंबर क्या है, 1। सोडियम के बाद आ रहे हैं क्लोरीन पे, तो यहाँ पे 2s2 एंड 2p6 हो गया कंप्लीट, 3s2 एंड 3p5। अब यहाँ पे अगर देखें तो थर्ड इसका पीरियड है, मगर दोनों आर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 7 इसका क्या बन रहा है, ग्रुप। अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम में क्या आ रहा है, 3s2 3p6, मीन्स के कैल्शियम का थर्ड शेल कंप्लीट है मगर 4s2 लास्ट आर्बिटल सिंगल हो गया, सेपरेट हो गया, डिफरेंट हो गया, फोर्थ शेल हो गया, फोर्थ पीरियड हो गया। तो कैल्शियम का पीरियड नंबर 4 हो गया, मगर कैल्शियम का ग्रुप नंबर क्या हो गया, 4s2, मीन्स के कैल्शियम का ग्रुप नंबर है 2। तो अब यहाँ पे याद रखें, रिमेंबर दैट द नंबर रिटन बिफोर द आर्बिटल SPDF से जो पहले लिखा होता है वो पीरियड और शेल नंबर को इंडिकेट करता है, मगर जो स्क्वायर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं ग्रुप नंबर को। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस कंप्लीट चैप्टर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you so much.